अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रीच की दुनिया। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। भाई लेके आए थे बिस्किट्स, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। इतना मैं हैवी नाश्ता नहीं करती, तो भाई मेरे लिए ये लेके आए थे। मैं आपके साथ डेली रूटीन शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं कहवे में एक चम्मच हनी ऐड कर रही हूँ। कहवा पीने के बाद 10 मिनट के बाद हम अपनी चाय को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम 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 अरीज की किचन में वेलकम। मुझे रूबी आंटी बहुत पसंद है। वो इतना अच्छा बोलती हैं कि मैंने सोचा मैं भी आज उनका स्टाइल अपना लूं। तो जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन का सालन अपने स्टाइल में। आई लव यू रूबी आंटी। चिकन में हम शामिल करेंगे टोमेटोस। लहसुन शामिल करने के बाद 30 मिनट तक हम कवर कर देंगे चिकन को। हल्की आंच पे रख देंगे ताकि टमाटर और चिकन गल जाए। चिकन में मैंने ऑयल शामिल नहीं किया। 30 मिनट्स के बाद मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। चिकन में मैंने शामिल किया है नमक, हल्दी पाउडर, सफ़ेद जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे, बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। और हरी मिर्च शामिल कर दी है। चावल भी बन रहे हैं साथ साथ। सिंपल से राइस बनाया है मैंने। सैलेड में मैं मूली काट रही हूँ। मूली के मैंने स्लाइसेस कट कर लिए हैं। मेरी मज़ेदार सी डिश तैयार है, देखें। अब हम साथ मिलके खाना खाएंगे।
पड़ोस वाली आंटी ने कड़ी पकौड़ा दिए थे, बहुत ही अच्छे मज़ेदार थे। जी यहाँ पे मैं देख रही थी खुदा और मोहब्बत की लास्ट एपिसोड, बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। पता नहीं राइटर ने फरहाद और माही को क्यों मार दिया एंड वाली एपिसोड में। बहुत राइटर ने अजीब लिखा है ये ड्रामा। फरहाद का कैरेक्टर तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। फरहाद अपनी माँ को छोड़ के चला गया एक लड़की के पीछे, बहुत ही ज़्यादा अजीब स्टोरी है, समझ में ही नहीं आई। वैसे कास्ट बहुत अच्छी है, फ़ेरोज़ ख़ान की परफॉर्मेंस और इकरा अज़ीज़ की और पूरी कास्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन स्टोरी इतनी ख़ास नहीं है। राहत फ़तेह अली ख़ान ने यह सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाया, मुझे बहुत उनकी आवाज़ पसंद है। और यह सॉन्ग भी खुदा और मोहब्बत का OST। खुदा और मोहब्बत आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जी ये आज की मेरी रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।